नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। तिगरा के युवक की दबंगों ने जमकर की पिटाई, पीड़ित परिवार थाने पर लगा रहा है चक्कर, नहीं मिला न्याय। बता दें कि भटनी थाना क्षेत्र के ग्राम तिगरा के रहने वाले आशुतोष पासवान को दबंगों द्वारा 26 जून को लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित न्याय की फरियाद लगाने भटनी थाने पर पहुंची, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई, उसे वापस कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश की स्थिति हर दिन के साथ बेहतर होती जा रही है। ये अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतने का समय है। बाजार खुल चुके हैं, आवागमन आदि निर्बाध रूप से सुचालित हैं। ऐसे में हर एक प्रदेशवासी को सावधान रहना होगा। 28/6/2021 को न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के प्रांताध्यक्ष सत्येंद्र सिंह तिवारी के आह्वान पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रत्येक कर्मचारी 3 पोस्ट कार्ड, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, महामहिम राज्यपाल के नाम पोस्ट कार्ड प्रेषित कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। किसान आंदोलन से हर डैमेज को कंट्रोल करने में सफल रही भाजपा। भाजपा जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में पश्चिमी यूपी में मिली शिकस्त से हुए राजनीतिक नुकसान की भरपाई जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से कर ली है। पश्चिम क्षेत्र के 15 में से 6 जिलों में भाजपा के उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में जहरीली शराब के मामले में सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में जहरीली शराब का धंधा रोकने का क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने इस संबंध में सरकारी वकील को 2 हफ्ते में सरकार से निर्देश लेकर पेश करने को कहा है। अरविंद केजरीवाल का ऐलान। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पंजाब में दिल्ली मॉडल की तर्ज पर काम करने की बात कही। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने गाजियाबाद में बुजुर्ग से मारपीट के वायरल वीडियो में ट्वीट के प्रबंधक निदेशक महेश्वरी को संरक्षण देने का फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राजधानी एक्सप्रेस में नाबालिग से छेड़खानी। डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में छेड़खानी का मामला सामने आया है। तथाकथित आरोपी फौजी ने बच्ची से अश्लीलता की और चारबाग रेलवे स्टेशन पर उतर कर भाग गया। स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों में जांच से मामले का खुलासा। शायर मुनव्वर राणा के बेटे पर सोमवार देर शाम शहर के त्रिपुला के पास बाइक सवार युवकों की जानलेवा हमला कर दिया। लखनऊ लौटते समय हुई वारदात में युवकों ने कई राउंड फायरिंग चलाई। गलीमत रही कि सभी गोली कार में लगी। हमले में राणा के बेटे बाल बाल बच गए। वारदात की खबर मिलने से शहर में सनसनी फैल गई। सीओ ने बताया कि कोतवाल ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर पड़ताल की है। मुनव्वर राणा के बेटे ने अपने चाचाओं पर प्रॉपर्टी के विवाद में जान से मरवाने के लिए फायरिंग करवाने का आरोप लगाया है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। 3,528 पदों पर सिपाहियों की भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। लखनऊ के हजरतगंज में 3,528 पदों पर सिपाही भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए विधानसभा भवन के नजदीक पहुंच गए। आनंद फानंद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझा बुझा कर ज्ञापन लेकर इको गार्डन भेज दिया है, जहाँ पहुँच कर अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया।